अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महनूर साजिद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टाइलिंग विद महनूर। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को भी इंजॉय करे होंगे। सो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ पेपलम लहंगा डिज़ाइंस फॉर ब्राइडल्स। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसेस हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लहंगा है और इसके ऊपर पेपलम फ्रॉक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं लहंगे के ऊपर। सो पेपलम जो है आप चोली बनवा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी डिज़ाइन लगता है। इससे ज़्यादा आप एक अच्छा सा दुपट्टा जो है लाइट वर्क दुपट्टा कैरी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूनिक लुक आती है। और आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड इन है, अगर आप ब्राइडल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। इस पूरी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे ब्राइडल ड्रेसेस जो हैं शो होंगे, सो फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा बगैर कोई पोर्शन स्किप किए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल के अकॉर्डिंग आपसे दूर ना रह सके। और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। व्यूअर्स अगर आप ड्रेस कलर की बात करते हैं तो ड्रेस कलर जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इवेंट जो है उस पर ये ड्रेस वेयर कर रहे हैं या किस इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये ड्रेस बनवाया है। अगर आप लोग चाहते हैं सिंपल पेपलम फ्रॉक्स बनाना तो उसमें भी जो है आप लोग इस तरह की डिज़ाइनिंग करके बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इस वीडियो को ब्राइडल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन है और आजकल की ब्राइड जो है इसको वेयर करने में ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करती है और अपने आप को जो है थोड़ा ईजी और लाइट वेट महसूस करती हैं। साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क इस पर करवा रही हैं। चोली जो है पेपलम चोली इस पर अलग से वर्क किया जाता है और जबकि लहंगे पर अलग से वर्क किया जाता है, सो इसका अच्छा खासा वेट भी हो जाता है। लेकिन अगर आप काम को जो है वो नॉर्मल रखते हैं तो आप इतना ज़्यादा आपका हाई वेट नहीं होता, लेकिन ज़्यादा ड्रेस पे वर्क करवाना आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रेस जो है हैवी हो सो या आप उसमें कम्फर्टेबल फील करते हैं तो ये कोई भी इशू नहीं है, बल्कि हैवी वर्क जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा कुछ लोगों डिपेंड करता है कि उनको लाइट वेट वर्क बहुत ज़्यादा पसंद लगता है और कुछ लोगों पर वो सूट भी करता है, तो आप उस तरह का वर्क भी करवा सकते हैं। व्यूअर्स अगर हम बात करते हैं कि आपका पेपलम लहंगा किस फैब्रिक में होना चाहिए, तो अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप पेपलम लहंगा ही बना रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह का वेडिंग वेयर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी नेट फैब्रिक में हो तो नेट प्योर नेट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपके ड्रेस के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें जो है आप कंफर्टेबल फील करते हैं और इस पर जो आप काम करवाते हैं वो बहुत अच्छे से स्टे करता है और बहुत ही अच्छे से कैजुअल आप फील करते हैं नेट को वेयर करके। इसके अलावा सिल्क और डिफरेंट स्टफ्स भी यूज़ होते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्टफ़ पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।